यानी कि पूरी तरह से टोटली लॉक कर चुका है ना। तो इसमें देखते हैं इसके अंदर में क्या है। कभी आप लोग ऐसा देखे हैं? ये पहला लेयर हुआ, ठीक है। और तभी हम बोले थे इसे प्लास्टिक का यूज किया जाता है ना। इसको आप माचिस भी लगाइएगा और जला के भी देखिएगा, जैसे प्लास्टिक रब हो जाता है ना पूरी तरह से, मुड़ जाता है जलने के बाद, ये वैसे ही हो जाएगा। और ये खींच भी रहा है ना, इसमें देखिएगा ये फाड़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें प्लास्टिक का अंश है। उसके बाद में पहला हुआ जिसमें प्लास्टिक है, और दूसरा इसमें पूरी कॉटन है, ये रुई है ना, केवल रुई है और कुछ भी नहीं है, केवल रुई है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये केवल प्लास्टिक, ये केवल प्लास्टिक, ठीक है, हो गया। अब उसको देख लेते, इसको भी तो देख लेंगे ना। ये हमारा 300 का 37 है। इसका पहला लेयर हम दिखा रहे हैं, ये टोटल कॉटन से बना हुआ है, टोटल रुई से बना हुआ है, दिख रहा है ना, दिखने में पता चल रहा है। इसको अब जलाइएगा, ये राख बन जाएगा, देखिए जरूर देखिए। और ये जो ग्रीन कलर का जो लेयर है, ये यूवी रेडिएंट नामक पदार्थ है इसमें, है ना। यही हम लोग का जो शरीर से टेम्परेचर जो बाहर निकलने के बाद प्लास्टिक से अंदर चला जाता था, जो इस तरह का ये सेटिनेटिंग होता है, उसको ये पूरी तरह से खींच लेता है। अगर किन्हीं को बुखार हो जाता है, इसको हम लोग भींगा के उसके माथे पे चिपका देते हैं ना, तो बुखार उतर जाता है। बुखार तब होता है जब हमारा शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है उससे अगर ज्यादा हो जाए तो बुखार होता है। तो उस टाइम का जब टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, तो सोचे जब पीरियड्स टाइम में तो बहुत थोड़ा सा ही टेम्परेचर हम लोग का होता है, तो उसको ये कंट्रोल कर लेता है। तो जो दिक्कत होता था टेम्परेचर का, हम लोग का सीधे शरीर के अंदर में वापस चला जाता है, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो हमारा क्या है, गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला लेयर हो गया है ना, ये दूसरा लेयर है, ये भी टोटल रुई का बना है। अब लोग देख लीजिए, देखिए आप चेक कीजिए, पूरी तरह से रुई का, पहला रुई का हाँ वो दूसरा हो गया है ना। अब इसके बाद में ये तीसरा लेयर है, इसमें जो छेद छेद दिख रहा है ना, वो छोटा 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 छेद दिख रहा है ना, वो पानी को सोखने में बहुत ज्यादा मदद करता है ना। तो ये भी टोटल रुई का बना हुआ है, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक, आ रहे हैं। और उसके बाद में ये अंदर में एक जेली डाला गया है जो पानी को सोखने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अगर इसमें हम और पानी डालेंगे ना तो ये और ज्यादा सोखेगा, है ना। कम से कम 8 घंटे तक ये हमारे पीरियड्स को कंट्रोल करके रखता है, 8 घंटे, ठीक है। उसके बाद में एक और लेयर है, इसके नीचे भी एक लेयर है, इस जेली के नीचे, वो भी रुई का बना हुआ है, ठीक है। वो गिर जाएगा इसमें, वैसे दिखा रहे हैं, देखिए दिख रहा है ना, ये भी रुई का बना हुआ है। तो जो प्लास्टिक का जो ये हो जा रहा है ना, वो हम लोग का दूर हो जा रहा है। इसका जो अनायन स्ट्रिप है, मतलब ये जो चिपकाने का है, वो भी इतना शानदार है कि एक बार अगर हम पैंटी पर लगा लेते हैं तो उसके बाद में ये कभी नहीं खिसकता है, और न ही ये मतलब कि डर नहीं होता है कि ये आगे पीछे होगा, क्योंकि हम लोग इसको यूज करके चलना है, दौड़ना है ना, वो सारा कुछ करना है। तो बताइए बेहतरीन कौन हुआ, बेहतरीन कौन हुआ। या इसमें एक और बात कर रहे हैं, बहुत कई रेट को लेके हिचकिचाते हैं, यहाँ 45 रुपीज है ना। 45 रुपीज में क्या हम बुला रहे हैं, अपने घर में कैंसर बुला रहे हैं। लेकिन वही हम लोग अगर 68 रुपीज में अगर घर से कैंसर को भगाना है, क्या 68 रुपीज हम लोग नहीं लगाएंगे, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो रेट को नहीं देखते, क्योंकि इसका क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है, हमारे आने वाला समय के लिए बहुत बेहतरीन है ना।
तो यूज करने का जो तरीका है, हम लोग का पीरियड कम से कम 5 दिन 8 दिन 3 दिन चलता है ना। तो शुरुआती दिनों में, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है शुरुआती दिनों में होता है ना, 2-3 दिनों के अंदर में, तो इसका एक और क्वालिटी आता है सेफ एंड सेफ का है ना, तो उसको यूज करना चाहिए। जब लीजिए उसके बाद में जो रेगुलर होता है इसको यूज करें है ना, लेकिन यूज जरूर करें। और आप लोग जहाँ कहीं भी देखते हैं कि कॉटन का है तो उसको एक बार इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका हक है, आपको जानना है, आपका शरीर है, तो उसका ख्याल रखना भी आप ही का कर्तव्य है ना, है कि नहीं। तो मैं इतना ही बात करूंगी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा बात इतना अच्छे से सुना। और अगर किसी तरह और भी